सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूँ सायोनी एंड वेलकम वंस अगेन टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो में हम बेसिकली वर्कआउट कर रहे हैं वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है हर्ष गहलोत। उनके साथ पहली बार तो अपॉइंटमेंट मिलने में मेरे को बहुत टाइम लग गया था, बट फाइनली आई हैड द चांस टू वर्कआउट विथ हिम। सो आज के चैनल में हम उनसे पूछेंगे कुछ क्वेश्चंस एंड जानते हैं कि उनने इतनी अच्छी फिजिक कैसे मेंटेन की है। तो गाइस, इंट्रोड्यूसिंग यू टू हर्ष गहलोत जी। हेलो गाइस, हेलो गाइस, हाउ आर यू। कैमरे से बाहर है भाइयों। आज करते, पहले करते हैं वर्कआउट और फिर करते हैं बढ़िया से इंट्रोडक्शन वगैरह, जो भी हमारी वीडियोस वगैरह उसको बढ़िया से भाई बनाते हैं। मेरे को भी कोई ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, फर्स्ट टाइम ही है मेरा किसी के साथ। तो कैसा लग रहा है मेरे चैनल पे फर्स्ट ऑफ ऑल? बढ़िया एकदम। तो गाइस, हम लोग पहले सो गाइस पहले हम जा रहे हैं वर्कआउट करने। आज हम क्या कर रहे हैं? चेस्ट। ठीक है, तो ये हमारी चेस्ट की वर्कआउट कराने जा रहे हैं। तो चेस्ट करने के बाद हम इनसे पूछेंगे कुछ सवाल जवाब। ओ चुचिंदर, सारा भाई चुचिंदर। सो इनसे होंगे सवाल जवाब, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक एंड डोंट गो एनीवेयर, लेट्स डू चेस्ट टुगेदर। सवाल भी नहीं, मेरा स्कूल में भी ऐसे ही था। ठीक है, थोड़े बड़े छोटे मोटे सवाल। तो चलिए पहले देखते हैं वर्कआउट वीडियो एंड देन वील गो टू क्वेश्चन आंसर राउंड।
इतना हार्ड वर्क करने का मोटिवेशन ये है इनके। हर्ष जी पहले हम चाहते कि आप हमारी जनता को अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताएं। सो हेलो गाइस, आई एम हर्ष गहलोत एंड आई एम 22 इयर्स ओल्ड और मैं एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर हूँ और साथ साथ मतलब ट्रेनिंग वगैरह भी देता हूँ, पर्सनल ट्रेनर, इनका भी पर्सनल ट्रेनर हूँ शायद कुछ। तो इसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपको मेरे चैनल पर आगे कैसा लग रहा है? बहुत मज़े आ रहे हैं, अभी वर्कआउट भी किया, सीरियसली मज़ा आया वर्कआउट करके। ये नहीं है कि आलतू फालतू चीज़ें, वर्कआउट सीरियसली हुआ यही सही रहता है। वीडियोज़ के चक्कर में ये नहीं, बस वीडियो बना लो, एक सेट किया फिर एक दो मिनट की वीडियो, ये नहीं पहले वर्कआउट खत्म किया तब जाके थोड़ा वीडियो वगैरह शूट की। ओके, ए फ्यू मिनट्स लेटर, ठीक कैसा लग रहा है? बेकार, इससे बेकार कोई चैनल नहीं है भाई। ठीक है, हमें बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपको हमारे साथ वर्कआउट करके अच्छा लगा। सो नाउ माय क्वेश्चन इज कि आपका फेवरेट यू नो बॉडी पार्ट जो आपको एक्सरसाइज करने में अच्छा लगता है, वो आपका फेवरेट बॉडी पार्ट क्या है? लेग्स सबसे ज्यादा फेवरेट मेरे लेग्स ही है। एंड क्यों? लाइक इट टेंस होता है इसलिए, पापा मतलब स्टार्टिंग से ये बोलते थे कि एक पार्ट इतना स्ट्रॉन्ग बनाओ गेम के लिए, मैं बॉडी बिल्डिंग की बता रहा हूँ, कि लेग्स ज्यादातर उस टाइम पे जब पापा खेलते तो लेग्स वगैरह ज़्यादा बंदे करते नहीं थे, यही कहते कि मिस करते हैं ज़्यादा लोग, बाइसेप्स चेस्ट पेन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो यही है भाई, सबसे खतरनाक पहले लेग्स करो, अपर धीरे धीरे करके बनाते रहेंगे, अभी तो 22 गए हैं, जब हो जाएगा टाइम तो सब कुछ बन जाएगा। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि 22 एक काफ़ी छोटी एज होती है, तो आप बताइए कि आप कितने टाइम से वर्कआउट कर रहे हैं, आपने अपने आप को कैसे मेंटेन रखा है? 22 एक छोटी एज तो नहीं है, छोटी एज ही है यार बॉडी बिल्डिंग के लिए, जैसे आपने अपने आप को मेंटेन किया उस चीज़ के लिए। करने वाला कुछ भी कर सकता है, मेंटेन ये किया है कि मतलब काफ़ी, मतलब मेरे फैमिली में स्टार्टिंग से ये चल रहा है बॉडी बिल्डिंग वगैरह, पापा भी एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर है और मेरा भाई भी एक इंटरनेशनल बॉडी बिल्डर और मैं भी एक, मतलब फैमिली पूरे ही इंटरनेशनल हम तीनों, तो यही स्टार्टिंग से ही था कि पापा के जैसे बॉडी बिल्डिंग वगैरह करनी है ये वो, तो घर पर खाना पीना स्टार्टिंग से ही अच्छा था। मेन पॉइंट की मतलब मैं, मेरा भाई जब कम्पीट करता तो कई बार होता है कि चीटिंग वगैरह या फिर प्लेस नहीं आती, वहाँ पे थोड़ा सा ना गुस्सा आता है, अब वो भी मेरे साथ जाता है तो उसको भी यही गुस्सा आता है, यार कुछ करना था ये वो ऐसे करके। एक किक मिली मेरे को कि यार करना है बॉडी बिल्डिंग, बट वो एक इतना ईजी नहीं है बॉडी बिल्डिंग कि हर कोई यार हाँ भाई मैं बॉडी बिल्डर हूँ मैं बॉडी बिल्डिंग कर सकता, भाई जब करोगे या जियोगे ना उस चीज़ को तब पता चलता है वो कितना आसान भी और कितना मुश्किल भी है। धीरे धीरे करके फिर लॉकडाउन लग गया, तो लॉकडाउन में हमारा खुद का तो जिम है द्वारका सेक्टर 28 में, वो हमने लॉकडाउन में मतलब खोल रखा था अपने पर्सनली यूज़ के लिए, तो वहीं पे मैं वर्कआउट करता रहा पूरे लॉकडाउन। और लॉकडाउन में ये रहा कि मतलब बाहर का खाना पीना यार सब कुछ बंद हो गया, क्योंकि मैं स्कूल टाइम पे था बहुत ज़्यादा, मतलब एक तरीके से फैटी था कि खाना पीना ज़्यादा ये समोसे मोमोज वगैरह भाई ये चल रहे थे मेरे। अब फिर लॉकडाउन हुआ तो हलवाइयों वगैरह इनकी सब की दुकान बंद थी, ये सही था भाई, तब बंद हुआ, तब उसके बाद फिर एक घर का जो खाना पीना स्टार्ट हुआ अच्छे से, पापा ने डाइट वगैरह का बोला, तो मतलब वही लॉकडाउन में धीरे धीरे करके एक मंथ दो मंथ ऐसे करके मैंने निकाले, तो खुद भी फील हुआ यार कि मज़ा आ रहा है इस चीज़ में कि मैंने एक साल के अंदर अंदर इतनी अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन की अपने लिए, मतलब ये नहीं कहता कि मैंने एक भाई बहुत अच्छा बड़ा लेवल कोई अचीव किया, बट एक खुद के लिए ये सेटिस्फेक्शन मिला कि यार हाँ हेल्दी लाइफस्टाइल, अब मैं कुछ कर रहा हूँ, रनिंग कर रहा हूँ ये वो, एकदम फिट हूँ। तो मेरी नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपने बोला, आपने मेंशन किया कि आप जिम ट्रेनर भी रह चुके हैं, तो लाइक आपकी फिजिक भी काफ़ी अच्छी है, तो आपको लाइक जिम में तो जिम में आपको कोई लड़की पसंद आई, आपने उसको कैसे अप्रोच किया, कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ था? मैं इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, जिम में हूँ तो मैं पैसे कमाने के लिए हूँ। ओके, एंड व्हेन यू आर वर्किंग आउट, लाइक आप जिम मतलब एज अ ट्रेनर नहीं हो और आप जिम नॉर्मली कर रहे हो, लाइक नॉर्मल हो, तो तब आपने ध्यान दिया है कभी? अभी आपने भी वर्कआउट साथ में किया है तो कुछ नोटिस किया कि मतलब मैं यार मैं ऐसे ध्यान नहीं देता किसी, क्योंकि वर्कआउट का ही एक ऐसा टाइम है कि मैं
इधर उधर चला गया यार, मैं इधर उधर ही रह जाऊंगा यार, इससे अच्छा अपने गोल पे फोकस करो सबसे। इस देना चाहेंगे जो लाइक जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं जिम में लड़कियों से या फिर ऐसा कुछ, तो उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? यार इतना मेरे को वैसे एक्सपीरियंस नहीं है, मैं खुद 22 का हूँ तो मतलब, पर फिर भी यार ये है, खुद पे ध्यान दो यार, क्यों करना है, अपने खुद में मजे लो यार। अगर आपकी फिजिक अच्छी है या यू नो आपको कोई लड़की पसंद आती है तो आप कैसे अप्रोच करोगे जिम में? टी शर्ट निकाल लूंगा। ओके, टी शर्ट निकालने से फिर लाइक लड़की इम्प्रेस होगी? होगी तो हो जाएगी ना। ओके, तो बॉडी बनाओ और टी शर्ट उतारो, ये एडवाइस इनकी। लास्ट क्वेश्चन जो मेरा आपसे ये है कि आप हमारी जनता को, हमारे जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए कुछ एडवाइस? एडवाइस मतलब मॉर्निंग में जल्दी उठो यार, ये फ़ोन वगैरह से थोड़ा दूर रहो भाई। ऐसा नहीं है मैं यूज़ नहीं करता, मैं भी यूज़ करता हूँ, बट मैं मॉर्निंग में भी जल्दी उठ जाता हूँ, 5 के आसपास उठ जाता हूँ यार, वो मेरे लिए तो भाई बहुत जल्दी है। और अपना थोड़ा सा करना स्टार्ट करो वर्कआउट वगैरह, ये नहीं यार सोते रहोगे तो भाई ऐसे कैसे बात बनेगी। थोड़ा अच्छा खाओ और अच्छा ध्यान दो अपनी फिजिक पे, और मतलब दूसरी चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत दो, थोड़ा वर्कआउट वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस करो। ओके, एंड एक लास्ट क्वेश्चन, वो जो यूजुअली जो आजकल नए बच्चे जैसे जिम जाते हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यू नो लड़कियों से या फिर, क्योंकि देखो जिम में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर भी आते हैं, वो उनको लगता है कि एक मतलब वो उनको देख के सोचते हैं कि बस बॉडी बनी जाएगी कुछ टाइम में, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बहुत जल्दी हार मान जाते हैं या यू नो उनको लगता है कि बस ऐसी बॉडी चाहिए और एक महीने में ही चाहिए? ऐसा नहीं होता यार, एक महीने में तो यार किसी की भी नहीं बनती, चाहे कुछ भी यूज़ करो चाहे कुछ भी खा लो, एक मंथ में भाई कुछ नहीं होता। बोलने वाले होते कि एक मंथ में ये करा दूंगा वो करा दूंगा, कुछ नहीं होता एक मंथ में। हाँ अगर आप एक लेवल पे हो तो आपको जल्दी टाइम नहीं मतलब उतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक जितना नॉर्मल को आप बिगनर को, और एक जैसे मैं अभी अपनी प्रेप स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने आपको बताया कि इतना इतना वेट मैंने लॉस कर लिया, तो उसकी वजह से एक वही अगर मैं स्टार्टिंग से मतलब एक डेडिकेटली कर रहा हूँ तो यार बहुत रेयर चांसेस होते कि उस लेवल का कम करना। नहीं, जो नए नए बच्चे आते हैं, ना ना इतना आसान नहीं होता यार, कुछ भी कम करना या कुछ भी बढ़ाना या एक मंथ में कुछ भी आप रिजल्ट्स वगैरह अचीव कर लो इतना जल्दी नहीं है यार, एक गोल है वो, एक मंथ में क्या कुछ मिला है कभी, खुद भी सोचो इस चीज़ को, थोड़ा टाइम लगता है हर चीज़ में। ओके, एंड उन लोगों के लिए जो लड़कियों को देख के डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनके लिए कुछ एडवाइस? उनके लिए भाई खास कर ये एडवाइस है भाई, थोड़ा सा वर्कआउट पे ज़्यादा फोकस करो, अगर गोल अचीव करने तो भाई इन चीज़ों से दूर रहो, इन चीजों से दूर रहो। मैं तो खुद इन्फ्लुएंसर हूं यार, मैंने कब आपको डिस्ट्रैक्ट किया? अरे मतलब मैं वैसे बोल रहा हूं, हमारा तो वैसे भी फर्स्ट टाइम है। ओके, तो हर्ष जी आपके साथ आपसे मिलके काफी अच्छा लगा। सो गाइस इनको फॉलो कर लो जाके, इनका यूट्यूब चैनल भी है और इंस्टा मैं नीचे प्रोवाइड कर देती हूँ, इनको फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है? सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है और शेयर कर दो भाई, फैला दो। So thank you guys, that was it for today. You guys have a great day. I'll see you guys in the next video. Bye.